नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप डॉट कॉम से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 8 नवंबर 2021। दोस्तों, एक लंबे ब्रेक के बाद, दिवाली ब्रेक के बाद मैं आप सभी से मुखातिब होता हूँ। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एग्रोजीन्स के अंदर गवार सीड, जीरा पर क्या संभावनाएं बन सकती है, गवार गम के अंदर क्या तेजी मंदी बन सकती है, शेयर बाजार में कौन से स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी उचित रहेगी और सोना चांदी या कॉपर के अंदर क्या संभावना बनेगी और राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। दोस्तों, सबसे पहले आज की ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा शुक्र के आज चंद्रमा धनु राशि के अंदर है और शनि और गुरु का संबंध मकर राशि में बन रहा है। मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि में है, राहु वृषभ और केतु वृश्चिक राशि में है। ये था आज की ग्रह स्थिति। अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं एग्रोजीन्स के अंदर। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको कृषि जीन्सों के अंदर विशेषकर गवार सीड, सोयाबीन, प्याज, काली मिर्च एवं लाल मिर्च के ऊपर बात की थी। आज हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि क्या संभावना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहती है गवार सीड के ऊपर। गवार गम और गवार सीड के अंदर आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि भी पिछले सप्ताह जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया और गवार सीड और गवार गम के अंदर कुछ मुनाफा वसूली भी देखी गई, लेकिन गौरतलब यह है इस साल उत्पादन खपत के मुकाबले कम है। अच्छी क्वालिटी का गवार सीड बाजारों में उपलब्ध कम बताया जा रहा है। काला गवार सीड बाजारों में थोड़ा सा उपलब्ध है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का गवार सीड बाजारों में उपलब्ध नहीं है और विदेशों से भी अच्छी मांग गवार की बन रही है। इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि गवार सीड में तेजी की संभावना आज जारी रह सकती है, गवार गम में भी तेजी जल सकती है। लाल मिर्च पिछले कुछ सप्ताहों से, कुछ महीनों से बुरी तरह से परेशानी और गिरावट दर्ज हो रही है। मुझे लगता है कि आज लाल मिर्च के अंदर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। काली मिर्च में भी तेजी की संभावना बन रही है। मसालों के अंदर काली मिर्च का अपना अहम रोल होता है। गौरतलब है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन होता है और तटीय प्रदेशों के अंदर भीषण बरसात से इस बार काली मिर्च के उत्पादन में कमी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो काली मिर्च में भी तेजी की संभावना है, लाल मिर्च में तेजी की संभावना है और गवार सीड के अंदर और गवार गम के अंदर आज तेजी बन सकती है। ये था कृषि जिन्सों पर आज का विश्लेषण। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर सोना चांदी एवं कवार कॉपर यानी बेस मेटल के अंदर कॉपर में आज तेजी की संभावना बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण चर्चा शेयर बाजार की। मार्केट टाइम्स केस में हम तीनों सेगमेंट यानी शेयर बाजार, एग्रोजीन्स और नॉन एग्रो कमोडिटीज के ऊपर अपना विश्लेशन हर रोज प्रस्तुत करते हैं। यदि आपको शो पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट्स अवश्य दीजिए। आज शेयर बाजार के अंदर मेटल स्टॉक्स में मुझे तेजी नजर आ रही है। ऑयल एंड गैस के अंदर भी स्टॉक तेजी बन सकती है, सीमेंट स्टॉक्स के अंदर भी तेजी जारी रह सकती है। इन सेक्टर के ऊपर आप नजर रखें, निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, आप हमारे शो को अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर विश्लेषण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर प्रस्तुत कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात, स्टॉप लॉस और टारगेट का विशेष ख्याल रखें। ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से दी जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का अध्ययन, विवेक एवं अपने जानकार सलाहकार से भी आप सलाह कर सकते हैं। All the very best. Good luck. Happy trading.